अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली खोखर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं निकला हूं सुबह सुबह, टाइम 5:18। अच्छा, मुझे हिचकी आ रही है और पिछले एक घंटे से आ रही है, रुक नहीं रही, तो थोड़ी सी माजरत। ये क्या आ गया मच्छर, ये एरिया देखो ज़रा। मैं अपनी तरफ से ना, मैं आपको ना वो दिखाने आ जा रहा हूँ, ग्रीनरी दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन ये इंतहाई घटिया एरिया पे आ गया हूँ नहर के साथ। लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एरिया जैसा भी है, सुकून आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, ये ग्रीनरी है इधर देखें। अब मैं चाहता तो उस साइड पे भी निकल सकता था रोड पे, लेकिन बस वैसे ही इधर निकल आया हूँ। ये फूल देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। बेसिकली ना, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप साइकिल चलाएं। अच्छा, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप चलाएं साइकिल या पैदल चलें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये मेरी टांग का एक्सीडेंट हुआ था ना, मेरे मसल जो हैं डेड हो गए थे, ऑलमोस्ट डेड, तो वो खुलेंगे, गर्माइश होगी चलने से। अब मुझे ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए हैं, अभी तक मैं थोड़ा सा स्टम्बलिंग करता हूँ, लड़खड़ा के चलना, लंगड़ापन जैसे कहते हैं। ये देखें ज़रा नहर, माशाल्लाह नहर का पानी ना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है आजकल, वरना किसान हजरात तो बहुत परेशान थे। डीज़ल इतना महंगा हो गया है, हुकूमत ने 40 रुपये डीज़ल गिराया है, लेकिन फ़र्क फिर भी नहीं पड़ा, ऊपर से रेट भी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। ये सिंधी बस्ती है। अब आप कहेंगे कि सिंधी बस्ती क्यों कहते हैं, बेसिकली यहाँ पे ना माइग्रेटेड सिंधी आए थे सिंध से, और वो यहाँ पे आके रहे थे, उन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी, और आज वो सिंधी तादाद में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। बहरहाल बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये इस तरफ से ना कितना खूबसूरत बादलों के ना एक झुरमट आया हुआ है, ये देखें माशाल्लाह, जूम करता हूँ, ये देखें माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे ना बादलों में ना किसी ने छेद कर दी हो ऐसे। बहुत खूबसूरत, सूरज की हल्की हल्की लाली आ रही है इस तरफ से। वैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि हम न्यू जनरेशन इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाता यार, सुबह सुबह उठना, ये नुकसान नहीं है इसका? मज़ा बड़ा आता है अगर सुबह सुबह उठ जाए ना, और ख़ास कर मेरा, अगर याद रखो, अगर मैं सुबह सुबह आपको जागता हुआ नज़र आ रहा हूँ बाहर, तो समझ लो मैं सोया ही नहीं पूरी रात, और आज भी नहीं सोया, तो यहाँ पर आया हूँ वॉक करने। ये देखिए माशाल्लाह, यही रोड हमारे गांव की तरफ जाता है सीधा, यही रोड। अच्छा दोस्तों, एक हमारी बहुत ही प्यारी बहन है, आरजू और अशफीन, आई थिंक नाम मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, उनका चैनल है आरजू व्लॉग्स 1 के नाम से, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाती हैं, बहुत आला वीडियोस, और कुकिंग करना, ड्रेसेस के ऊपर डिस्कस करना, मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह, और डेली व्लॉग्स, और उनके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, यहीं आप स्क्रीन पे सब कुछ देख रहे होंगे, और इनको जाके सब्सक्राइब करें, और इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इनको जाके ना सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत मज़े की वीडियोज़ आपको देंगी, आपको दिखाएंगी। इधर ना, इसलिए मैं इस जगह पे आया हूँ, इधर बहुत ही प्यारे फूल हैं यार, वो मैं स्पेशल फूल देखने आया हूँ और आप लोगों को दिखाने आया हूँ। ये देखें ज़रा कितने प्यारे फूल हैं, ये देखें
माशाल्लाह इतना बड़ा फूल है, इनकी अपनी ही एक खूबसूरती है। ये आगे भी हुए हुए हैं वो भी दिखाता हूँ। और ये जो पौधा है ना, ये ख़ास तौर पे जहाँ पानी ज़्यादा हो ये वहीं पे होता है, इसकी ग्रोथ ही वहीं होती है जहाँ नलका लगा हुआ हो, जहाँ पानी का सोता हो, जहाँ नहर जा रही हो, कैनाल जा रही हो। ये देखा ना, ये कैनाल के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। मुझे याद है मेरे बाबा का ना ईंटों वाला एक ठिया हुआ करता था, अड्डा हुआ करता था, जहाँ ईंटें वगैरह ये बजरी सीमेंट ये बिकती हैं। तो वहाँ ना एक नलका था, उस नलके के पानी जाता था तो पता नहीं साथ ही ऐसा पौधा हो गया, ये सेम ये पौधा अपने आप ही हो गया था। तो वो तब से मुझे याद है कि ये पौधा सिर्फ पानी वाली जगह पे होता है। और ज़रा ग्रीनरी दिखाऊँ आपको, ये देखें इस तरफ तो बहुत ही बड़ा हुआ हुआ है। ये देखें ये सारा, क्योंकि पानी वाफिर मकदार में मिल रहा है ना। और ये देखो ये चंबेली है, ये देखें फूल माशाल्लाह। मैं दो तीन तोड़ लेता हूँ, ये एक ये तोड़ लिया। ये ना घर 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 में रखने चाहिए, बल्कि जेब में रखने चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशबू आती रहती है। और तो नहीं है, छोटे छोटे हैं इस साइड पे हैं। ये तोड़ लेता हूँ, ये देखें इसको जेब में रखा करें, आपके घर में हैं तो इनको सूंघा करें, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो इस वक्त अब मैं ना होता हुआ ना यहाँ पे आ गया हूँ अपनी पुल पे। ये हमारी एक पुल है, देखा ना अभी भी मुझे आ रही है हिचकी, ख़त्म नहीं हो रही। मुझे बताएं हिचकी क्या 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 करूँ, जब भी मुझे हिचकी आती है पूरे एक एक घंटा दो दो घंटा आती रहती है। और ये है लांस नायक मोहम्मद इकबाल शहीद, तमगा बसालत पाकिस्तान 38 रेजिमेंट। ये मतलब एक एजाजी तौर पे ना ये बोर्ड लगा गया है 20 दिसंबर 2020 बरोज़ एतवार। अल्लाह हमारे फौजियों को हमेशा हमेशा हमारे फौजियों को अच्छा मैंने आई थिंक ये देख लें ज़रा, अल्लाह हमारे नौजवानों को फौजियों को हिफ्ज़ अमान में रखे। बेचारे अपनी हमारे लिए हमारे सुकून के लिए अपनी जानें कुर्बान करके जाते हैं। और फूलों की बात हो रही है तो आपको एक और फूल दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से। मैं ये स्पेशल आया ही इसलिए हूँ कि आपको फूल दिखाएं, ये देखें, और आँखों को तरोताज़गी आपको भी दूँ, खुद भी हासिल करूँ। और इधर और ख़ूबसूरत फूल हैं इस साइड पे, ठीक है वो दिखाता हूँ अगर मैं वहाँ तक पहुँच पाया तो, अगर पहुँच पाया तो। ये देखें ये भी सेम ही उसकी तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी इसकी वेरिएशन वैरायटी चेंज है। ये येलो फूल हैं, ये भी नहर के साथ ही होते हैं, कैनाल के साथ, ठीक है। करीब जाता हूँ वहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखें। मैं ज़्यादा आगे जा नहीं सकता, मेरी टांग टूटी हुई है और मैं अभी इतना वो नहीं हुआ हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें। और ये चीज़ है ना, यकीन मानो ये चीज़ है ना, सुबह के वक्त देखो तो ज़्यादा मज़ा आता है। आप दोपहर को आ जाओ, रात को आ जाओ, आपको ये चीज़ें मज़ा ही नहीं देंगी। सुबह के वक्त ठंडे मौसम में जब आप देखोगे ना, आपको तरोताज़गी बख्शेंगी ये चीज़ें, ठीक है ना। ये देखें इसे, ये जो है ना क्या कहते हैं, ये भी अजीबोगरीब सी बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, और हल्की हल्की ना ऐसे डोरियों की तरह लच्छे बने हुए हैं। ये देखें बहरहाल यार अल्लाह की कुदरत है, इंसान का जब मूड अच्छा हो, जब इंसान सुबह सुबह मौसम अच्छा हो, हल्की हल्की सूरज की लाली आ रही हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान गौर करता है। आम रूटीन में इंसान गौर ही नहीं करता, इतनी कशमकश में ज़िंदगी के दौड़ में भाग रहा होता है, ये चीज़ें गौर नहीं करते हम लोग। जैसे अब मैं गौर कर रहा हूँ इन चीज़ों पे कि ये दरख्तों के लच्छे बने हुए हैं, ये फलां चीज़ बनी हुई है। बहरहाल ये पुल जो है इसका
इनाग्रेशन हुआ था। ये देखें डॉक्टर मियां मोहम्मद शबीर अली कुरैशी, ये हमारे MNA हैं, ठीक है, NA 181 के, उन्होंने ये पुल बनवाई है। पुल क्या, ये सारी रोड दी है इन्होंने, शबीर अली कुरैशी साहब ने, पूरी रोड आगे चौक नोशा रोड पे जाके मिलती है ये रोड। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, ठीक ठाक? तो ये है सुबह का मंजर। चलो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता चलूँ, खुद भी देखूँ। अच्छा दोस्तों, अब जाने का टाइम हो गया है, थोड़ी सी रोशनी आने लग गई है और मुझे पसीना भी बहुत आ रहा है। यहाँ पे ना कैनाल के साथ बहुत हब्स है, पता नहीं पानी की हब्स है किस चीज़ की है, पसीना बहुत आ रहा है मुझे। हवा भी है ठंडी ठंडी, लेकिन साथ साथ एक हब्स भी महसूस हो रही है। बहरहाल छोटा सा एक वीडियो थी, आपको प्यारे प्यारे फूल दिखाने थे, ये मौसम दिखाना था, आप लोग देखते होंगे साफ सी बात है, लेकिन आज अली खोखर के साथ आपने सैर की, सुबह की बात ही कुछ और है। बहरहाल वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने मौके दिए, तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे, आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।